किचन में इस्तेमाल होता है, कैसा होता है ये पार्टी का? कुछ लोगों ने गोश्त नरम ही होता है, एक नंबर गोश्त होता है ये, लेकिन अच्छा इसमें चार बंद कम होता है ये। अच्छा हजारों के अभी रुझान, यानी ये पता नहीं है लोगों को पार्टी का कुछ होता क्या है। लोग ये ऐसे खसाई जैसे कि है ना बछिया का बछड़े का गोश्त है कि सिंध पंजाब में सब पाड़े का खाया था, सिर्फ कराची के अंदर बछिया का खाया था। अच्छा गोश्त वैसे ही होता है, इसके अंदर खाली का हरों का फर्क होता है। अच्छा कोई फर्क नहीं होता है। ये पाटा होता है क्या है? भैंस का बच्चा होता है। भैंस का बच्चा होता है तो सेम इसके जो है प्राइस कीमत एक ही होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा नहीं बछिया और बछड़े के कुछ में फर्क आता है कीमत में? फर्क है, फर्क है खाने में, वही है बिल्कुल। हाँ खाने में वही है। शुक्रिया बहुत। ये देखें जी पाटे का गोश्त, इन्होंने बताया 21,000 रुपये किलो मन है, 21,000 मन है। और ये जो है खाने में जो है कोई इसमें जो है टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, ये भी वैसे ही होता है जैसे कि बछिया और बछड़े का गोश्त होता है। ये हम आपको जो है आज विज़िट करवा रहे हैं गरीबाबाद लालू के 10 नंबर की मार्केट है गोश्त की, और इधर जो है हम आपको इसका विज़िट करवा रहे हैं। ये देखें ये पाटे का गोश्त है, ये पाटे का गोश्त है ना बछिया, ये बछिया का गोश्त है भाई। ये देखें माजरत भाई, मुझे बात सुन ले। ये देखें जी बछिया का गोश्त, किस तरीके से जो है लेके जाते हैं और यहाँ पे किस तरीके से जो है सेल आउट किया जाता है आर्म। और ये सुबह में जो है अर्ली मॉर्निंग में जो है यहाँ पे जो है आता है, सुबह 7:30 बजे तक जो है यहाँ पे सारा गोश्त जो है ख़त्म हो जाता है। लोग सुबह सुबह जो हैं कसाई जो हैं सारे जो है यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। आज 31,000 रुपये मन चल रहा है। ये देखें जी ये गरीबाबाद की मार्केट में गाय बछिया वगैरह भी जो हैं बछड़े खड़े हुए हैं। ये देखें जी ये फ्यूचर के जो है कसाई हैं और बच्चे जो हैं, ये देखें किस तरीके से जो है सुबह सुबह आके जो है यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे जो है सारे जो कसाईयों का काम है जितना गोश्त सेल करते हैं। ये देखें मनों के हिसाब से अस्सलाम वालेकुम भाई नवेद भाई। हाँ ये देखें जी ये कैसे पीसेस करके जो है कसाई जो हैं यहाँ से जो है लेके जाते हैं और ये शॉप्स पे जो है जाके सेल आउट करते हैं। ये सब जितने भी कसाई हैं यहाँ से होलसेल पे जो है सेल किया जाता है गोश्त। सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। कुछ बताएं ये बछिया है बछड़ा? ये बछिया भी होती है बछड़ा भी होता है और पाटे का भी होता है। पाटे का भी होता है, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ हर किस्म का गोश्त मिलता है आपको। लियाकताबाद 10 नंबर जी। तो आज ये क्या मनों के हिसाब से? मन के हिसाब से होता है, रिटेल नहीं होता। नहीं रिटेल नहीं। तो आज क्या क्या माने मछली है? 800 रुपये किलो, 32,000 रुपये मान। 32,000 रुपये बछड़े का भी है? बछड़े का बछिया का एक ही भाव होता है, पाटे का अलग होता है, वो 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो ठीक है। तो ये सुबह में कितने बजे? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक के है माल, 2 घंटे के लिए बस। ये सब सेल आउट हो जाता है जितना भी माल लगा हुआ सब हो जाएगा। और मंगल बुध छुट्टी होती है? मंगल बुध छुट्टी
सलेटर हाउस में कटता है ये, बगल सलेटर हाउस बैंस कॉलोनी सब गवर्नमेंट माल लगा हुआ है, डॉक्टरों से चेक होके आता है ये माल। आप बताते हैं ये डॉक्टरों से चेक होके आता है सलेटर हाउस पर जिबा होता है माल चेक हुआ होता सब भी चेक होता है कटने के बाद मोर क्या कहना बताओ। ये हमारा जो माल है ये पहले जिंदा चेक होता है सलेटर हाउस के अंदर, डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं, जब इसकी खाल वगैरह उतर जाती है, जब ये टंग जाता है कटकर, उसके बाद इस पर डॉक्टर की मोर लगती है। अच्छा जी हाँ। अच्छा तो ये पाड़े का गोश्त जो होता है वो और इसमें कोई फर्क आता है? नहीं, फर्क तो होता है ना पाड़े में और बछिया में और बछड़े में फर्क बछड़े में फर्क आता है मतलब खाने। ये बछिया का क्या मन चल रहा है? 32,000 रुपए मन चल रहा है। 32,000 रुपए, 32,000 रुपए किलो भाई ओ मन जो है आज बछिया का गोश है। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा और बेहतरीन किस्म का जो है गोश यहाँ पे जो है अवेलेबल है। होल सेलर मार्केट है ये मीट की, और ये सुबह सुबह देखें जी सेल आउट होता है। ये कितने मन की होगी पूरी ये बच्चिया? ये ढाई मन, डेढ़ मन, दो मन। अच्छा ये ढाई मन, दो मन, डेढ़ मन, सही है जी। ये देखें जी ये ढाई मन का जानवर है, कम से कम ढाई मन का होगा ये। ये देखें जी लोग किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है गोश्त लेकर जाते हैं। कुछ बार्गेनिंग होती है यहाँ पे मगर फिक्स होते हैं सब रेट, होल सेलर हैं ये। 19-20 का फ़र्क आता है गोश्त के रेट में, और 30,000 मन जो है आज मार्केट में रेट है करीबाबाद की बछड़े का और बछिया के गोश्त का। ये करीबाबाद लालू खेत 10 नंबर की मार्केट है। कसाई जो है किस तरीके से जो है यहाँ से जो है गोश्त लेके जाते हैं रिक्शा में, गाड़ी में, बाइकों पे। ये गाड़ी ये भी खड़ी है इस पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं बाबा? ठीक है बाबा, गोश्त के लिए तैयारी के लिए बैठे हैं? यस बाबा। कहाँ लेके जाते हैं? ले जाते हैं 420। कहाँ? 420। ये किधर है? ये 6 नंबर। 6 नंबर पे आप खुद करते हैं क्या? आपका खुद काम करते हैं? हम खुद लेके जाते हैं दुकानों पे, थोक पे। दुकानों पे सेल आउट। क्या हिसाब होता है आज कल लेके जाते? जैसे हिसाब किताब होता है वैसे उठाते हैं भाई, 100 भी देते हैं, 50 भी देते हैं। कब से कर रहे हैं बाबा? पहले को हो गया तकरीबन 20-25 साल तो वही काम करते थे। दिल, गुर्दे, सिरी, पाए सब अवेलेबल हैं लालू के 10 नंबर की मार्केट में। किस तरीके से जो है सेल आउट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं दिल, गुर्दे और सिरी। ये है लालू खेत 10 नंबर की मार्केट, ल्याकताबाद 10 नंबर की मार्केट है गरीबाबाद की। और यहाँ होल सेलर हैं सारे अवेलेबल, गोश है मुख्तलिफ यानी कि बछिया, बछड़ा और पाटे का। मार्केट में फुल मसरूफियत चल रही है यहाँ पे। और ये देखें गोश्त, देखें किस तरीके से जो है लेके जा रहे हैं। क्या हाल है बाबा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह का। सर क्या हिसाब चल रहा है? सर ये 32,000 रुपये मन है बछिया का, ओरिजिनल गोश्त, VIP गोश्त। अच्छा गोश्त 32,000 मन, और जब गाय लेने जाते हैं तो वो तो 40-45 ऐसे कुछ चलता है, तो ये क्या? नहीं नहीं, कौन सी गाय आप लेने जाते हैं? कुर्बानी के जानवर हो गए तो भाई रेट नहीं होता, वो तोल के नहीं बिकता कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी का जानवर तो अल्लाह नाम का खूबसूरती में बिकता है। और फिर दूसरी बात ये है कि इनके लोगों के लोग पालते हैं अपने, दो दो साल एक एक साल मेहनत करते हैं उसके अंदर, तो कुर्बानी का जानवर जो है ना वो थोड़ा महंगा ही मिलता है। महंगा ही मिलता है। अच्छा 32
32,000 मछलियाँ बछड़े का गोश्त 32,000 रुपये मंडी। पाटे का गोश्त आपको मिलेगा 28,000 28,000 रुपये मंडी जी। ये बकरीद के एंट्रल का होता है, बकरीद से दो तीन दिन पहले बंद होता है मकान। हाँ, और फिर कब खुलती है? फिर ये बकरीद के बाद खुल जाती है, तकरीबन 15 दिन के बाद। तो ये सारा माल जो यहाँ से ये कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है? पूरी कराची में सप्लाई होता है, पूरी कराची में। आधा कहाँ से? ये पूरे पाकिस्तान से आता है, पूरे पाकिस्तान से माल है। नहीं, ये कटता भैंस कॉलोनी में, ये आता पूरे पाकिस्तान से है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से सारा माल जो ये खरीदते लोग बाग व्यापारी हजरात वो ये लेके आते हैं मंडियों में, यहाँ लाके ये बेचते हैं। समझिए आप, तो ये फर्क आता है कि पार्टी के वो जो बछड़ा या बच्ची है? पार्टी का जो होता है वो भैंस का बछड़ा होता है, भैंस का बच्चा होता है, और ये जो होता है ये गाय का बच्चा होता है। और उसमें सस्ता क्यों होता है? सेम लोग कहते हैं कि एक ही जैसा गोश्त होता है। ये क्वालिटी थोड़ी इसकी ऊपर ही होती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है। 19 से 20 है बस, 19-20 का फर्क है। भैया 1,000-2,000 का। एक चीज़ और हमारे यहाँ कहते हैं कि है ना, हल्का गोश्त होता है और भारी, यानी कि पार्टी का गोश्त थोड़ा हल्का होता है खाने में, या बादाम हो जाता है जिस तरीके। नहीं, दोनों गोश्त हल्के होते हैं, अच्छा गोश्त होता है, ताकतवर होता है, दोनों गोश्त अच्छे होते हैं। ये भी गोश्त अच्छा होता है, वो भी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपका टाइम देने का। ये देखें जी, मोहरें लगी हुई है डॉक्टर की तरफ से कि कटने से पहले जो है इसको चेक किया जाता है, उसके कटने के बाद जो है ये मोर लगाई जाती है इनके, जो है ये है मोर इसकी, और ये बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इसका जो है कि बीमार जानवर तो नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है कोई गलत कस्म के जो है गोश्त नहीं दिया जाता यहाँ पे। जो है मोर वाले लाजमी चेक की जाती है यहाँ पे। ये देखें जी, ये रान का गोश अलग करेंगे, ये इसको क्या रान का होता है ना, ये रान है, नीचे दस्त है। ये दस्ती है और ऊपर जो है ये रान है। ये देखें जी, रान का गोश और दस्ती का गोश ये अलग कर रहे हैं। ये देखें किस तरीके से जो है ये रान को जो है और दस्ती को अलग करेंगे। ऑल ओवर कराची में जो है ये सप्लाई किया जाता है। ये होलसेलर जितने भी हैं यहाँ पे, यहाँ कसाई जो हैं सब यहाँ पे जो है लेने के लिए आते हैं अर्ली मॉर्निंग में, और ये 2 घंटे में जो है मार्केट ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ 2 घंटे की मार्केट होती है, लियाकताबाद 10 नंबर गरीबाबाद की ये मार्केट है। इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज हमने विज़िट करवाया आपको जो है लियाकताबाद 10 नंबर की मार्केट का, और कुछ रेट्स आपको बताए और वीडियो भी आपको दिखाई विज़िट करवा के किस तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं होलसेलर गोश्त की मार्केट में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।